राजधानी में शनिवार आधी रात को आईजीएमसी गर्ल्स हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की शिनाख्त कांगड़ा जिला के पालमपुर निवासी 30 वर्षीय करण पटियाल के रूप में हुई है। वह सोलन जिला स्थित एक निजी विश्वविद्यालय का छात्र था। हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। शिमला के सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के आधी रात को चौथी मंजिल पर पहुंचने से गर्ल्स हॉस्टल के सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एमबीबीएस कर रही छात्राएं इस हॉस्टल में रह रही हैं। गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं। इसके अलावा अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए हॉस्टल परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। फिर भी युवक हॉस्टल में घुस गया और हादसे का शिकार हो गया। यह भी आशंका जताई जा रही है कि युवक हॉस्टल में रहने वाली किसी लड़की से मिलने आया था और पकड़े जाने के डर से चौथी मंजिल से कूद गया, जिससे इसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बहरहाल शिमला पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आधी रात को जब युवक के गिरने की आवाज आई तो स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से युवक को इलाज के लिए आईजीएमसी पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक युवक की गिरने की वजह से मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। युवक के गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की भी जांच की जा रही है।